শনিবার পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোলের পৌর নিগমের 59 ও 60 নম্বর ওয়ার্ডের সংযোগকারী রাস্তা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হলো। উদ্বোধন করেন স্থানীয় কাউন্সিলর জাকির হোসেন। নূরনগর হরিজন পাড়ার সংযোগকারী ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা হয়। কাউন্সিলর বলেন, এই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় ছিল। বর্ষার সময় এই রাস্তা দিয়ে মানুষের যাতায়াত করতে অসুবিধা হতো, সেই কারণে ঢালাই রাস্তার কাজ শুরু হলো। রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসীরা। सबसे पहले हम हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने ग्राम इसके सहयोग से हम लोग आज ये रोड को कर पा रहे हैं। और इससे पहले जो है नूरनगर और 59 नंबर और 60 नंबर दोनों का ही बॉर्डर है। इस बॉर्डर से पब्लिक का बहुत दिनों से 10-12 साल से डिमांड था और हम भी देखे थे कि बहुत ज़्यादा हमने रास्ते में पब्लिक आना जाना बहुत ही प्रॉब्लम था। उसको देखते हुए हमने इस काम को पहले स्टार्टिंग यहीं से किया है, 59 और 60 का बॉर्डर से। ये पब्लिक का डिमांड था और हमारे उज्जवल चरे जी भी इसको शुभ हाथों से अपने आरम्भ किए थे, जिसमें हम लोग सब साथ में थे। और यहाँ के लोग का जो पब्लिक डिमांड था उसको हम लोग आज पूरा कर पाए हैं, जिससे आज ढलाई का काम चालू हो गया रास्ता के काम। कितना का बजट है और कितना स्क्वायर फीट का रास्ता चल रहा है? ये आपका 7000 अप्रॉक्स 7000 स्क्वायर फीट है। और कुछ जगह में अभी भी कुछ बाकी है जो हम लोग अगले लॉट में उसमें हम लोग लेंगे। जो सा एक्सटेंशन गली है, एक्सटेंशन गली बहुत सा नूरनगर में बाकी है, जिसके हम लोग रास्ते नाली का काम आरम्भ ऑलरेडी कम्प्लीट कर दिए हैं। जो साइड व्यू रास्ता है उसको भी हम लोग जल्द से जल्द इसमें काम स्टार्ट करें। आसानसोल थेके सौमित्र गांगुली, आनंद बार्ता।